हमारे साथ है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा जी, जिनसे हम पूछेंगे कि 3 साल का क्या रहा लिखा जोखा मोदी सरकार का और खासकर उनके मंत्रालय का। महेश जी, अगर मैं सीधे सीधे आपसे सवाल करूं, 3 साल का क्या लेखा जोखा रहा? देखिए, 2014 में हमारी सरकार आई, देश में एक अंधकार का सा माहौल था, युवाओं में कोई उत्साह नहीं था, उन्हें अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। बदलाव दिया और बदलाव भी एक ऐसा प्रचंड बहुमत के साथ, और नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया, वो उस कसौटी पर खड़े भी उतरे। इस 3 वर्षों का अगर मैं समय अपने आप को मैं अपने मंत्रालयों से सीमित रखूंगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितने काम हुए और काम किसके लिए हुए, मैं समझता हूं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिसके लिए प्रधानमंत्री जी की या हमारी सरकार की चिंता ना रही हो। महेश जी, आपका मंत्रालय जो है खासा महत्वपूर्ण है पर्यटन, आपको खुद पता है आप पर्यटन मंत्री हैं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो केवल पर्यटन के ऊपर ही चल रहे हैं। आपको लगता है कि आपके मंत्रालय में भारत की चिंता ना रही हो? महेश जी, आपका मंत्रालय जो है खासा महत्वपूर्ण है पर्यटन, आपको खुद पता है आप पर्यटन मंत्री हैं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो केवल पर्यटन के ऊपर ही चल रहे हैं। आपको लगता है कि आपके मंत्रालय में भारत इतना बड़ा देश है, पर्यटन को वो स्थान मिल पाया, उसकी कई वजह है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, कई वजह है। कश्मीर की अगर बात करें तो वहां वजह, वहां पर्यटक नहीं जाना चाहते हैं, कई वजह, तो देश के ऐसे कई कोने। आपके मंत्रालय का क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं आप उसमें? भारत का पर्यटन, हमारा एक वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है और ये स्विट्जरलैंड की संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करती है। 2013 में हम 65वें स्थान पर थे, 2015 में हम 52वें स्थान पर आए, और आज से 15 दिन पहले जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें हम 40वें स्थान पर हैं। 3 साल में 25 अंक का सकारात्मक ग्रोथ, अमेरिका 4 पॉइंट नीचे गया है, स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे गया है, चाइना 4 पॉइंट ऊपर आया है, जापान 2 पॉइंट ऊपर आया, भारत 12 पॉइंट ऊपर आकर 25 स्थान ऊपर। तो जिस सरकार का, जिस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ गया हो, मुझे कहता मुझे उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिछले वर्षों में पूरे विश्व में 4.6% की प्रगति से टूरिज्म में ग्रोथ हुई है। भारत के अंदर अगर हम संख्या की मात्रा की दृष्टि से देखें तो 1,35,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमने पिछले साल कमाई थी, इस साल वो बढ़कर 1,56,000 करोड़ हो गई है, जो 14.6% की प्रगति है, ग्रोथ है। ये अपने आप में उदाहरण है कि भारत ने पर्यटन के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पर्यटन, आपने सही बात बताई, ये मालदीव जैसे कंट्री जिनमें शायद पूछो कुछ धनिया भी पैदा नहीं होता, पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, पूरी तरह पर्यटन, और पर्यटन को उन्होंने ऐसा एक उद्योग कहिए, जीवन जीने की मैं समझता हूं व्यवस्था कही, हर परिवार में उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन जरूर जुड़ा हुआ है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भगवान बुद्ध, जन्मस्थली उनकी यहां की, सब कुछ यहां का, लोग जाते उसको पूरा सर्किट, आपकी भी वो मुझे पता है कि इच्छा है कि कुछ ऐसा बहुत सर्किट बनाया जाए कि और ज्यादा लोग आए, अभी भी आते हैं, उसको किस तरह की प्लानिंग है आपकी? देखिए, हम लोगों ने जो 13 पर्यटक सर्किट उनमें से बुद्ध सर्किट हमने एक बनाया है। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्मरण स्थलों में से लुम्बिनी नेपाल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी 7 स्थल भारत में है, 4 उत्तर प्रदेश में और 3 बिहार में। चाहे वो बोधगया की बात हो, नालंदा की बात हो, कुशीनगर की बात हो, तुम्हारे सारनाथ की बात हो, श्रावस्ती, वैशाली, ये सब भारत में है। लेकिन इनके पर्यटन को एक ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं किया गया था, तो हमारी सरकार ने थीम बेस्ड पर्यटन स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन 3 सालों में 4800 करोड़ रुपए की, 4,865 करोड़ रुपए की योजनाएं सैंक्शन की और जारी कर दी, और काम उन पर शुरू हो गया। सब खाली किताबों में नहीं करी किसी योजना को। और हमारी दूसरी प्रसाद योजना, उसके माध्यम से 428 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हम लोगों ने शुरू कर दी, जिनके परिणाम भी आने लग गए। अब भगवान बुद्ध के पर्यटन के लिए आने वाला व्यक्ति, एक जगह केंद्रित स्थान जिसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारनाथ बने, सारनाथ से वो कुशीनगर कैसे जाएगा, सारनाथ से वो बोधगया कैसे जाएगा, श्रावस्ती कैसे जाएगा, वैशाली कैसे जाएगा, वहां के उनके, हम इसको प्लान कर रहे हैं E2E टूरिज्म, एंड टू एंड टूरिज्म। अगर एक बार विदेशी पर्यटक हमारे देश में आता है तो हम उसके पूरे सम्मान के साथ जो 3 चीजें जो है, बल्कि 4 चीजें जो पर्यटन की स्तंभ है, स्वच्छता, सुरक्षा, मेजबानी और तीसरा मैं कहूंगा संपर्क, कनेक्टिविटी, स्वच्छता को हमने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आंदोलन से जोड़ा। मुझे खुशी ही बताते हैं इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें 15 पॉइंट का पॉजिटिव जंप दिया है। रामायण को लेकर जितने हिंदू पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, उसके लिए भी आपने योजनाएं बनाई हैं, राम मंदिर की भी आप बात करते हैं,
अब तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, प्लानिंग क्या है? देखिए, भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का गुरु है, सबकी इच्छा है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बने। वर्तमान में ये केस कोर्ट में, हमारी सरकार ने भी, हम लोगों की भी सबकी इच्छा ये कि या तो आपसी सहमति से बने या कोर्ट के माध्यम से बने, और मैं समझता हूं कि सब लोगों की इच्छा है, मन है, लेकिन आपसी सहमति और इसी माध्यम से हम सरकार प्रयासरत है कि ये बन जाए। पर वो ट्रस्ट की जो आपने बात की थी कि ट्रस्ट बनाया जाए काफी भव्य तरीके से, तब आगे की वो क्या पूरी प्लानिंग क्या है? अब हम लोगों ने अयोध्या की अगर प्लान करी है तो अयोध्या में एक भव्य रामायण म्यूजियम, लेजर म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम जिसे हम कहते हैं, जहां भगवान राम का जीवन चरित्र, पूरे रामायण की कथा आधा घंटे के अंदर लेजर शो के माध्यम से व्यक्ति देखे। उसके बाद वहां सरयू के घाट भी ठीक हो, वहां का रेलवे स्टेशन भी ठीक हो, वहां की सड़कें, वहां की सफाई व्यवस्था, वहां के कचरा का डिस्पोजल की व्यवस्था, पर्यटन की दृष्टि से इस पूरे शहर के विकास की हम लोग प्लान करेंगे। इसी तरह आगरा की भी करेंगे हम, काशी की भी करेंगे हम, मथुरा वृंदावन की भी करेंगे हम, कुरुक्षेत्र की भी करेंगे। राज्य सरकारों से सपोर्ट मिलता है? देखिए, ये पीड़ा है कि राज्यों का विषय है पर्यटन, सुरक्षा, ये सब चीजें, और राज्य सरकारें कभी बार इतनी संजीदगी से इसको नहीं लेती कि पर्यटन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारी केंद्र की सरकार तो एक नोडल एजेंसी का काम करती है कि पर्यटन को विश्व लेवल पर किस तरह बढ़ाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय एडवर्टाइजमेंट और इन चीजों पर काम करती है, लेकिन वास्तव में तो ये एफर्ट प्रदेश सरकारों की, कुछ सरकारें अच्छी हैं जो इनिशिएटिव लेती हैं, हम हमारे पीछे भी लगती हैं, हम भी उनसे प्रोजेक्ट मांगते हैं तो जल्दी देती हैं, लेकिन कुछ सरकारों की कमियां रही हैं जिनके कारण ही बिहार जैसा, उत्तर प्रदेश जैसे शहरों के अंदर आज हम, प्रदेशों के अंदर आज हम पर्यटन को उतना ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए जहां पर आपकी सरकार इतने प्रचंड बहुमत चाहिए। अब आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए? अब मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिलने लगा है सरकार के आने के बाद, काली माली डेढ़ महीना हुआ इस सरकार को आए हुए, लेकिन इस सरकार के आने के बाद किस तरह से हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं। अब हमें साइंस सिटी की बात करनी थी 25 एकड़ भूमि की, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी देने के 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी आ गई, साहब हमने फला मंत्रालय, फला अधिकारी को, फला को लगा दिया, इस काम को करके आपके पास आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काम करने का तरीका, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका काम करने का तरीका, ये शो वाली जो आपकी प्लानिंग है, इतने विश्व भर में पहले हिंदू आएंगे, और खासकर वो जनरेशन जिसको, वो नाम से हिंदू है केवल, उनको भी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और कब तक ये भगवान राम का पूरा जीवन चित्रण और पूरा रामायण की पूरी कथा, जब वो जाएंगे उस म्यूजियम के अंदर, रामायण शुरू होगा वो। देखिए, जमीन आइडेंटिफाई हमने एक इसके लिए कमेटी बना दी है जिन्होंने थीम तैयार कर लिया है, एजेंसी हम लोगों ने आइडेंटिफाई लगभग कर ली है, लास्ट में कंपटीशन कराएंगे, और काम कभी भी हम शुरुआत उस जमीन में, पिछली सरकार के सामने भी हमने 154 करोड़ रुपए उसके लिए जारी कर दिए थे, लेकिन वो जमीन की हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमें पसंद भी आ गई थी वो जमीन, लेकिन सरकार ने फिर चुनाव आ गए, इतना गर्मजोशी भी नहीं दिखाई। अब इस सरकार से हमें पूरा उम्मीद है कि इस विषय में तेजी से काम हो। उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश 2019 का रास्ता है आप लोगों के लिए केंद्र में? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश बड़ा है, देश भी बहुत बड़ा है, उद्देश्य भी बहुत बड़ा है, लक्ष्य भी बड़ा है, और जनादेश भी बड़ा है। हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, और उत्तर प्रदेश की जो ये प्रचंड बहुमत प्रदेश की जनता ने हमें दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देशवासियों का मूड है वो, हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, और अब 2019 की जो हमारी जीत है वो सुनिश्चित है। 5 वर्ष का समय जनता ने दिया, हम 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर जब जनता के सामने जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जनता हमें स्वीकारेगी और सराहेगी भी। तमाम जो सर्वे हुए हैं उसमें अभी भी ये सामने आ रहा है कि मोदी जी का जादू बरकरार है 3 साल के बाद भी, तो वो एक बड़ी पूंजी है, जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही 2019 के रास्ते पर बिल्कुल केक वॉक है आप लोगों के लिए, आप लगता है? हमें लगने लगा है, और हमें नहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लगने लगा है। विपक्षी पार्टियों ने हथियार लगभग डाल दिए हैं, चाहे आप किसी पार्टी की बात कर लें, या तो वो शून्यविहीन हो चुकी हैं, नेतृत्व उनके पास नहीं है, नीतियां उनके पास नहीं है, कोई पिछला भविष्य उनके पास नहीं है, पिछला इतिहास उनके पास नहीं है, कोई भविष्य उनका नजर नहीं आता, उनके अपने कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आता। आज उत्तर प्रदेश में पार्टी ज्वाइन करने के लोगों की इतनी बड़ी भीड़ शुरू हो गई कि हमारी पार्टी को नीतिगत निर्णय लेना पड़ा कि अब किसी को हम पार्टी ज्वाइन नहीं कराएंगे जब तक कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व इस पर फैसला ना करे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा, तो मतलब आपका मानना यह है विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत भी है,
लेकिन विपक्ष अपने कारणों से, अपने कर्मों से, अपनी गतिविधियों से स्वयं एक्सपोज हो चुका है। आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है कश्मीर, एक जमाने में बहुत ज्यादा पर्यटक वहां जाते थे, अब जो स्थितियां, हालांकि आप वहां सरकार में साझेदार हैं, आपको खुद क्या लगता है कि वहां का हल क्या है? देखिए, मैं इस विषय का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन कश्मीर आप मंत्री हैं, आपको खुद लगता होगा कि भाई आपका पर्यटन मंत्रालय बस लोगों को, मैं यही समझता हूं कि अगर कश्मीर को सिर्फ पर्यटन दे दिया जाए उसका वापस, खाली पर्यटन, तो वहां की रोजगारी की, बेरोजगारी की समस्या से लेके विकास का रास्ता खाली अकेला कश्मीर का पर्यटन ही बदल सकता है। और मैं समझता हूं इतनी बड़ी अपार संभावनाएं हैं कश्मीर में पर्यटन की। इस विषय पर प्रदेश की, देश की सरकार और हमारा मंत्रालय भी काम कर रहा है कि किस तरह हम सुरक्षित पर्यटन अपने देश के और विदेशी मेहमानों को उपलब्ध कराएं। क्या लगता है कि पाकिस्तान का जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे स्टोन पेंटिंग हुआ, ये सरकार का रुख ऐसा होना चाहिए कि उनसे बातचीत के टेबल पे आना चाहिए? वो ठीक है आपके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके मंत्रालय से संबंधित हो जाती है चीज। देखिए, मैं हर उस मार्ग का स्वागत करूंगा जिससे कश्मीर में शांति की स्थापना हो, जिसमें कश्मीर में पर्यटन का विकास हो और पर्यटन के माध्यम से वहां का युवा रोजगार प्राप्त करे और वो देश की मुख्य धारा के अंदर जुड़े। ये मेरा प्रयास होगा, उसके लिए कोई भी बात साधन होगा, कोई भी विधा होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी संस्था होगी, हम उनका पूरे तहे दिल से स्वागत करेंगे और समर्थन करेंगे। आप वहां सरकार में साझेदार हैं, तो फिर क्यों नहीं चीजें जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे हो पा रही हैं? स्थिति बदतर क्यों होती जा रही है वहां? देखिए, ये कश्मीर मसला एक छोटा मसला नहीं है, सरकारों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दुनिया भर की चीजें, उन सबको देखते हुए प्रदेश सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उतने ही चिंतित हैं कश्मीर के बारे में जितने हम और आप, और बल्कि हमसे तो 10 गुना ज्यादा चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश में एक और चीज देखी गई कि वक्फ बोर्ड जो है, खुद मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा, उस पर भी भले वो जगह पर्यटन के लिए थी, पार्क थे, आज उस पर भी कब्जा कर लिया गया वक्फ बोर्ड पिछली सरकारों में, और बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। तो क्या आपका मंत्रालय की अगर कुछ इस तरह की जमीनें या कुछ इस पर कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार से बात कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार ने अभी अपनी इस मामले में नीति जायज कर दी है, इस तरह की किसी भी कब्जा वगैरह इन सबको के लिए कोई स्थान नहीं होगा। गुंडे बदमाशों को आज प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि ठेकेदारी व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बनने दिया जाएगा, अगर कुछ ब्लैकलिस्टेड है तो ठेकेदारी व्यवस्था का काम ही नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम भी बहुत जल्दी आने लगे। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा महेश जी, राष्ट्रपति चुनाव सरकार के लिए क्या आपको लगता है कि लिटमस टेस्ट होंगे? देखिए, हम इसे इस भावना से नहीं लेते कि राष्ट्रपति के अंदर, हम प्रयास करेंगे पूरे कि राष्ट्रपति हमारे समर्थन से बने, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम मंजिल के बहुत पास आ चुके हैं, जहां करीबन 18,000 वोटों की हमें जरूरत थी, उसकी तैयारी हो चुकी है। पर नाम अभी तक को कई नाम तो चर्चा में चल रहा है। मेरी अभी हैसियत इतनी नहीं कि मैं उनमें से किसी का नाम अभी सजेस्ट कर सकूं या बता सकूं, लेकिन काम इस पर जारी हो चुका है। विपक्ष के दल जो हैं सारे एकजुट हो रहे हैं, लगातार मंत्रणाएं कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि शायद कुछ परेशानी हो? देखिए, विपक्षी दलों का महागठबंधन जो बनने लगा है, वो गठबंधन मौका परस्ती का गठबंधन है, कोई नीतियों पे नहीं है, किसी सोच पे नहीं, किसी विचारधारा पे नहीं। कोई सोच सकता है कि लालू यादव और नीतीश जी एक मिलकर गठबंधन बना पाएंगे? मौका परस्ती का गठबंधन चलने वाला नहीं, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनाया, आखिरकार कहां गया? क्या परिणाम क्या निकला उसका? पर बिहार में तो परिणाम निकला है, बिहार का परिणाम आपके सामने आ जाएगा, 2 वर्षों के अंदर परिणाम रिजल्ट अब सामने आने जा रहा है। कहां पहुंचे हम, बिहार के गठबंधन को कहां ले जा पाए? बिखरता हुआ नजर आ रहा है हमारे सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। तो नीतीश जी साथ में आ रहे हैं? देखिए, ये नीतीश जी का मैं समझता हूं, नीतीश जी कैसे लालू जी के साथ मिलकर इस गठबंधन को चला रहे हैं ये अपने आप में एक मिसाल है, और कांग्रेस और सपा का आपने देख लिया, यही नीतीश और लालू जी का होने वाला अंत। तो ये थे पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनका मंत्रालय, जाहिर सी बात है, देश की कानून व्यवस्था से जुड़ता है, लेकिन इस मंत्रालय में इतना पोटेंशियल है कि इसमें काफी कुछ हो चुका है और अभी भी काफी कुछ करने की गुंजाइश है, और खासकर राज्य सरकारों को इसमें काफी मदद करनी होती है। कुछ राज्य सरकारें मदद करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, आप समझ सकते हैं इशारा किन सरकारों की तरफ था, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन मंत्रालय अपनी सही दिशा में बढ़ रहा है मोदी के कार्यकाल में, और आगे और ज्यादा कुछ किया जाएगा। कैमरामैन गंगा के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज दिल्ली।